इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास तीन पार्टिकल्स हैं, पॉइंट मासेस हैं एम एम और एम, तीन पार्टिकल्स हैं। ये क्वेश्चन का कोई रोटेशनल से कोई लेना देना नहीं है, वैसे बता दूं ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन या सर्कुलर का है, रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तीन पॉइंट मासेस हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पे हैं और साइड की वैल्यू ए गिवन है। ओनली फोर्सेज एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल्स आर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हम ग्रेविटेशन में नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं कि कोई भी दो एम वन एम टू पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय अ फोर्स ऑफ जी, कैपिटल जी एम वन एम टू बाय आर का स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, बस यही फोर्सेज है। तो इस पार्टिकल ने इसे अट्रैक्ट किया और इसने इसे अट्रैक्ट किया, इसने और इसने भी अट्रैक्ट किया, इसने इसने अट्रैक्ट किया। और फोर्स की वैल्यू क्या है हर के ऊपर? जी एम एम बाई ए का स्क्वायर। ठीक, ये फोर्स की वैल्यू है। नेक्स्ट है, अब इसमें ये पार्टिकल, मैं ये चाहता हूं, इट इज डिजायर्ड दैट ईच पार्टिकल मूव इन अ सर्कल वाइल मेंटेनिंग इट्स ओरिजिनल सेपरेशन ए। मैं चाहता हूं ये सर्कल में मूव करते रहें और इनके बीच में हमेशा सेपरेशन ए ही रहे। तो बताओ कितनी वेलोसिटी में तीनों को दूं ताकि सर्कल में मूव करता रहे ऐसे? तो मुझे वी निकालना है। सर्कल में मूव करने के लिए क्या फोर्स चाहिए हर पार्टिकल को? सेंट्रीपेटल, जो कहां करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। अब इसका सेंटर क्या है? ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर क्या है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? परपेंडिकुलर, 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 जहां मिल गए सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पूरी लेंथ को डिवाइड करता है इन रेशियो 2:1। अब इस पार्टिकल का रेडियस क्या है? ये रहा रेडियस, ये रहा रेडियस और ये रहा रेडियस। आर रेडियस है इसका, क्या होगा रेडियस इस पार्टिकल का सेंट्रोइड से? डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस है। अब मुझे पता है कि ये ट्राइंगल में 90 डिग्री है, ये साइड ए है, तो साइन 60 इज दिस अपॉन ए, तो दिस विल बी इक्वल टू ए साइन 60। तो दिस हाइट इज इक्वल टू ए साइन 60। और ये जो आर आएगा, ये पार्टिकल का आर आएगा, ये क्या होगा? 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस होगा क्या? 2/3 इंटू टोटल ए साइन 60। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 2/3 इंटू ए साइन 60। रेडियस आ गया, तो रेडियस में आ रहा है, टोटल लेंथ को डिवाइड कर लिया 2:1 में, रेडियस आ गया, राइट? अब कोई भी एक पार्टिकल ले लो, मान लो ये पार्टिकल ले लो, इस पे नेट फोर्स क्या होगी? अंडर रूट ऑफ f² 2ff cos ऑफ 60, रिजल्टेंट फोर्स। और वो रिजल्टेंट फोर्स कहां एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। तो ये रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर तो क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपेटल mv² / r। यहां से सिंपलीफाई करके आपके पास ये टर्म आ गई, फोर्स की वैल्यू पुट कर लेना gmm/a², यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके और r की वैल्यू पुट करके a/√3 r v की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, वेलोसिटी आ जाएगी। तो किया कुछ नहीं, नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल किया, राइट? और अगर ये पूछ ले कि हर पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा, एक घूमने के चक्कर का टाइम क्या होगा, तो टाइम पीरियड होता क्या है? 2πr/v। रेडियस हमने निकाल लिया, वेलोसिटी हमने निकाल ली, आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।